हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ब्यूटी गार्डन में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ स्ट्रेट हेयर कट कि कैसे हम बहुत इजी और प्रोफेशनली तरीके से स्ट्रेट हेयर कट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। ऐसे तो बहुत तरीके से स्ट्रेट हेयर कट होता है। अगर हम बहुत जल्दी में हैं तो सारे बालों को एक ही बार में लेकर के कट कर देते हैं, वो भी स्ट्रेट कट ही होता है। लेकिन हम सेक्शन बाय सेक्शन निकाल सेक्शन कैसे छोटे छोटे सेक्शन लेकर के स्ट्रेट कट करते हैं, आइए देखते हैं। तो चलिए हम पहले सेक्शन निकालेंगे। हमारा सेक्शन होगा रेडियल टू प्रोफाइल। पहले हम नोज एरिया से, नोज के ठीक सामने से पीछे नेप एरिया तक एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जिसे कहते हैं प्रोफाइल। और फिर दूसरा सेक्शन है रेडियल। जिसे हम ईयर टू ईयर कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमारे सारे बाल 0 डिग्री पर कट रहे हैं। रेडियल के आगे के बाल भी हम पीछे ले जाकर 0 डिग्री पर कट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कि कैसे हम 4 बेसिक सेक्शन बना रहे हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन बन जाने के बाद हम चारों सेक्शन को क्लिप से टाई कर देंगे, सेक्शन क्लिप से टाई कर देंगे। उसके बाद कट शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, हम नेप एरिया से कट शुरू करेंगे। पहले हम ऑक्सीपिटल बोन से मिडिल ऑफ द ईयर सेक्शन निकालेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और ऊपर के बालों को टाई कर देंगे। नेप एरिया के बालों को नीचे स्ट्रेट कॉम करते हुए ले जाना है। और मिडिल में 1 इंच का सेक्शन लेते हुए, वर्टिकल में 1 इंच का सेक्शन लेते हुए लेंथ डिसाइड करेंगे और 0 डिग्री पर कट कर देंगे, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप सबको। फिर वही गाइडलाइन के अनुसार लेफ्ट और राइट के हेयर को भी स्ट्रेट कट करेंगे। फ्रेंड्स, कट हमेशा हमें गीले बालों में ही करना है, लेकिन मैं इसमें आपको डमी पे बता रही हूँ तो इसलिए मैंने बालों को गीला नहीं किया है। लेकिन अगर आप रियल क्लाइंट में कर रहे हैं तो बालों को ज़रूर गीला करके ही कट कीजिए।
तो फ्रेंड्स हमारी स्ट्रेट गाइडलाइन नीचे तैयार हो गई। अब हम निकालेंगे दूसरा सेक्शन, लोअर क्राउन से टॉप ऑफ द ईयर, और बाकी ऊपर के बालों को टाई कर देंगे। कॉम करते हुए नीचे ले जाएंगे सारे बालों को, और जिस तरह से हमने पहला सेक्शन कट किया था वैसे ही दूसरे सेक्शन को भी कट करना है। फ्रेंड्स अब जब हम अपने बालों को अपने दोनों फिंगर के बीच में लेकर आते हैं नीचे, तो जो हमारे दोनों फिंगर के बीच में एक होल होता है जहाँ पे हम बालों को होल्ड करते हैं, तो अच्छी तरह से हमारे हेयर उसमें होल्ड नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स पतले पतले ही सेक्शन लेकर हमें जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट है वहाँ पे होल्ड करना है और कट करना, नहीं तो हमारे बाल ढीले हो जाएंगे वहाँ पे। अब हमारा पीछे का लास्ट सेक्शन है, उसे भी कॉम करते हुए नीचे ले जाना है और नीचे के गाइडलाइन से मर्ज करते हुए कट कर देना है। जैसा कि आप सब वीडियो में देख रहे हैं, अब आते हैं हमारे रेडियल के आगे के हेयर पे। फ्रेंड्स रेडियल के आगे के जो हेयर हैं उसे हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसमें हम वर्टिकल सेक्शन निकालेंगे। पीछे हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालकर स्ट्रेट कट किया था, आगे हम वर्टिकल सेक्शन लेंगे। और फ्रेंड जो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो पहला जो फर्स्ट पार्ट है उसे पीछे लेकर आना है, हमें आगे ले जाकर कट नहीं करना है, पीछे लाकर ही कट करना है, पीछे के बालों से मर्ज करना है। अगर हम आगे के बालों को आगे ले जाकर कट करेंगे तो हल्का सा यू शेप आ जाएगा, इसलिए आगे के बालों को पीछे ले जाकर पीछे के बालों से मर्ज करना है। उसके बाद फिर हमारा लास्ट सेक्शन है। देखिए जैसे मैं वीडियो में कट कर रही हूँ, आगे के बालों को ईयर के पीछे से पीछे लाना है और पीछे के बालों से मर्ज करना है ताकि हमारे बाल साइड से छोटे ना हो। अब आते हैं दूसरी साइड, फ्रेंड्स कभी भी आप कट करें तो सेक्शन क्लिप यूज़ ज़रूर करें।
सेक्शन क्लिप यूज करने से हमारा जो सेक्शन होता है वो नीट और क्लीन हो जाता है और हमें कट करने में आसानी होती है, सेक्शन उलझते नहीं हैं। फ्रेंड्स हमारा स्ट्रेट कट हो गया है, ये देखिए कैसा लगा आप सबको। फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी स्ट्रेट हेयर कट की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसी तरह बहुत अच्छी अच्छी हेयर कट जैसे वी कट, यू कट, बैक स्ट्रेट और फ्रंट में यू लेज़र कट, ऐसी बहुत सारी हेयर कट की अलग अलग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू।